जावित्री हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला आपको? मैं ये दूसरा सहयोग के आया हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ यहाँ पे उनको बच्चे हुए होंगे। हाँ, तो उन्होंने बताया होगा आपको बताया। और फिर आप यहाँ पे आए। तो ये शादी के कितने साल बाद हुए? 18-19 साल। 19 साल बाद। और जैसे आप पहली बार जब आप यहाँ पे आए होंगे तो राजू मैडम से मिले होंगे, तो मैडम ने क्या कहा था आपसे? ने सहयोग भाई दिया कि हमारे तरफ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उन्होंने ये कहा होगा कि आप आए तो उम्मीद लेके। हाँ, लेकिन आप बच्चे यहाँ से लेके जाओ। और वो दिन है और आज का दिन है। हाँ, आप आए के लिए और तो यहाँ दोनों लेके जा रहे हो आप। हाँ, तो, तो मतलब खुशियाँ डबल हो गई हैं। डबल मिल। तो क्या कहना चाहते हैं मैडम को या के स्टाफ को? धन्यवाद भैया सबका। धन्यवाद देंगे, बहुत खुशी है भाई उनका सबका भैया। और बाकी यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के स्टाफ ने सभी ने सपोर्ट किया? सपोर्ट किया। और कोई दिक्कत नहीं पड़ी हमको। बिल्कुल। और जैसा आपने इलाज के दौरान देखा होगा कि पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं। हम भी भैया बहुत दूर दूर इलाज कराया। जी जी जी। तो ये सिर्फ पर्पज यही होता है कि जो भी पेशेंट यहाँ आया है वो सफलता लेके जाए, कोई भी निराश होके न जाए। इसीलिए मैडम को सब लोग, जैसा आपने अपने इलाज के दौरान देखा होगा, मैडम दिन रात इस काम को करते थे। सुबह 3-4 बजे भी काम करते मिल जाएंगी और आपके 10-11 बजे भी काम करते हुए। अच्छा, और आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, पास से ही। तो कुल मिला के बस कहने का मतलब यही है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो सफलता जरूर लेके जाएंगे। और बाकी यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ ने सभी ने सपोर्ट किया। और बाकी आपको जो जावित्री हॉस्पिटल की तरफ से शादी के 19 साल बाद जो दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए हैं, इसके लिए यहाँ के डॉक्टर्स की तरफ से, यहाँ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें, ताकि हर सुने घर आंगन में गूंजे खुशियों की किलकारी। धन्यवाद।